हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, और मैं काफ़ी देर की उठी थी, लेकिन ना अभी थोड़ी देर, मतलब 2 घंटे लगभग हो गए हैं, 5 बजे मैं उठ गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना जो है रीडिंग वगैरह किया, तो पढ़ते पढ़ते ना मुझे नींद आ गई थी, तो 7 बजे लगभग, तो 15-20 मिनट और मैंने सो ली। फिर उसके बाद अभी मैं फिर से उठ गई हूँ, तो पता नहीं कैसे, मतलब एकदम से उठो ना तो ऐसा लगता है नींद ही नहीं, आँख ही नहीं खुल रही है, इतनी ज़्यादा नींद नींद जैसी, मतलब है ना, इच्छा होती है कि सो जाओ, लेकिन क्या करें, उठना पड़ता है, मजबूरी है। अगर सो गई तो सोची तो समझ लो सोती ही रह जाऊँगी, इसीलिए कंट्रोल करना पड़ता है नींद को। ऐसे ही दोपहर में होता है, और ना सबसे ज़्यादा ना, और गर्मी में ही ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, ये तो देखा है। इतना ऐसे विंटर के टाइम या बरसात के टाइम में ना इतनी नींद नहीं आती जितनी समर में आती है। बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम में ना हर वक्त बस नींद नींद आती है, बिस्तर देख के और इच्छा होने लगती है। तो अभी देखिए सब लोग सो रहे हैं, मैं उठ गई थी, अब मैंने सोचा उठ जाते हैं तो चाय आय बनाते हैं। तो अभी मैं बस जो है अपना मुंह धोकर आई हूँ, ब्रश वगैरह कर लिया है, और यहाँ पर कार्तिक है ना, मैं उसको बोल रही थी उठने के लिए, ताकि मैं बिस्तर वगैरह सारा सब उठा के और रख दूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पर पड़ा होता है ना बिस्तर, एक तो यहीं पर हम लोग बिस्तर लगाते हैं अभी, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है ना कि बिल्कुल भी जो है ना अंदर वाले रूम में सोने की इच्छा नहीं होती। और यहाँ पर हमने कूलर भी लगा लिया है, तो थोड़ी बहुत तो राहत है, नहीं तो सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अभी तो हमारा पंखे से काम चल रहा था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो फिर हमने जैसे तैसे करके उसी कूलर को बनाया और लगा लिया, तो इसीलिए बिस्तर यहीं पर लगाना पड़ता है। और बीच मतलब दरवाजे के पास ही होता है ना, तो सोचो कि चलो जल्दी जल्दी से सब लोग उठ जाएं, सबसे पहले तो मैं बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ। तो हालांकि सब लोग है ना 8-9 बजे तक उठ जाते हैं, 9 बजे तक। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर अपना जो है गर्म पानी है ना वो पी लिया, और मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। दरवाज़ा इसलिए 2-3 बार हो गया है, कार्तिक का एक दोस्त है, मतलब मोहल्ले का जो बच्चा है वो बुलाने आता है, 2-3 बार उसने आवाज़ लगाई और मैंने उसको बोला कि वो अभी नहीं उठा, तो इसीलिए मैं खोली और उसको देख रही तो वो चला गया, 2-3 बार आया, तो अभी वैसे फिर आ जाएगा। और दिन में खेलते रहते हैं बच्चे, घर पे ही अंदर ही खेलते रहते हैं, कूलर पंखे के पास बाहर नहीं जाने देती हूँ मैं, बस अंदर ही खेलता रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब है ना अभी मौसम जो है ना एकदम से चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लू लपट वाला ना, तो इसमें क्या होता है तबीयत ख़राब होने के चांस रहते हैं, इस वजह से ना मैं ज़्यादा बाहर निकलने भी नहीं देती, और वो जाता भी नहीं है, तो खैर वो ही नहीं जाता ज़्यादा, तो बस इसीलिए घर पे खेलते रहते हैं दोनों जन। तो यहाँ पर बस देखिए मेरी चाय बन गई, मैंने अपने लिए चाय बनाई है, हस्बैंड अभी है ना उठे नहीं थे, वो सो रहे थे साइड में, तो फिर मैंने आधा ही बिस्तर हटाया और आधा मतलब डाला ही है, तो फिर मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। आज मैं बहुत अच्छा सा एक नाश्ता बनाने वाली हूँ, बहुत काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए, मैंने कितने मतलब बहुत टाइम हो गया मुझे लगता है, मुझे भी नहीं पता लास्ट बार मैंने कब बनाया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा हो रही थी, और सब्जियां भी मेरे पास रखी थी, और ये सब्जियां जो है ना यूज ही नहीं हो रही थी, जैसे पत्ता गोभी गाजर ये सारी चीज़ मैं लेकर आई थी, तो और ये सूख भी रहे थे, काफ़ी सारे पत्ते जो है ना ख़राब भी हो गए हैं, पत्ता गोभी वाले जो मतलब उनकी ऊपर ऊपर की पत्तियाँ सूख गई थी, तो काफ़ी सारी हटा दी मैंने, तो ये इतना सा बचा था। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, गाजर को प्याज को और ये पत्ता गोभी, तीनों चीज़ें मैंने एक साथ मिक्स कर ली हैं,
और अब इसको मैं कढ़ाई में अच्छे से भून ले रही हूँ, मतलब कि सिर्फ पानी जो है ना वो निकल जाए इतना तक मैं इसको पकाऊंगी, पानी जितना है ना उड़ जाए बस। तो इसको ऐसा नहीं है कि पकाना है पूरा, और उतना नहीं करना है, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल के और इस तरीके से भून ले रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ ये क्या बना रही थी, मोमोज। तो आज मैं मोमोज बना रही हूँ, और मैं आटा और मैदा दोनों चीज़ें मिक्स करके इसका जो डो होता है ना वो थोड़ा दोनों चीज़ों के साथ मिक्स करके बना रही हूँ, क्योंकि मैं कई बार अभी आटे के भी बना चुकी हूँ, प्योर मैदे के मैंने बहुत कम, मतलब पता नहीं एक आध बार ही बनाए होंगे, मैंने कभी ऐसे बनाए नहीं हैं प्योर मैदे के। तो इसीलिए मैं ना आटा और मैदा मिक्स करके बना रही हूँ, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक बार मैंने आटे के बनाए थे ना, तो कमेंट आया था कि आप मतलब आटे के बनाए हो, कम से कम कोई अच्छे मतलब अच्छे भी नहीं दिख रहे थे, ऐसा ऐसा वैसा, काफ़ी टाइम हो गया मुझे ध्यान भी नहीं है। तो मुझे बड़ा बोला गया कि अरे इंसान हेल्दी चीज़ें ज़्यादा वो करता है ना, देखिए हेल्दी चीज़ें खाने के लिए मतलब सोचती हूँ कि चलो हेल्दी चीज़ें बनाएं और खाएं तो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। मैदा उतना अच्छा नहीं होता है खाने के लिए, सेहत के लिए। अब जिनको ज़्यादा पसंद आता है तो वो मैदा की चीज़ें खाए और खाते रहे, मुझे क्या, मैं तो अपने घर में मुझे जो सही लगता है, मुझे जो मतलब लगता है कि हाँ मैं अपने बच्चों को ये अपना हेल्दी कुछ ऐसा बना के दूँ तो सही रहता है। तो मतलब है ना हेल्दी चीज़ें बोलती हूँ ना, तो उसमें भी लोग जज करते हैं कि देख रहा है कितना हेल्दी है, मतलब मेरे वेट को लेकर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, मेरा वज़न है जैसा है, इतना भी वो नहीं है, मतलब किसी को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए ये देखकर कि अरे ऐसा खाने पीने से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो भगवान की वो है, मतलब खाने पीने से ही नहीं होता है कि मैं दिन भर ऐसे खाने पीने को लेकर बैठी रहती हूँ तो वेट वो हो रहा है। तो मेरा बस इतना है कि मेरे घर में किसी को दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है कि वेट बढ़ रहा या घट रहा, तो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं। बाकी अब आपको जो जैसा ठीक लगे सोचना समझना, क्योंकि इसमें ना देखिए इस यूट्यूब की लाइन में ऐसा है कि ये कमेंट पे वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, ये मैं बता रही हूँ कि आप लोग इतनी आसानी से जज तो कर लेते हो एक दूसरे को, किसी को भी ऐसे मतलब यहाँ तक थोड़ा बहुत मतलब ये चीज़ें दिखाने में भी ना इतनी ज़्यादा मतलब मुश्किलें होती हैं, लेकिन इंसान मजबूरी में ही कोई काम करता है। देखिए किसी को शौक नहीं पड़ी होती है, किसी के पास नहीं होता है रोज़गार या कुछ भी, या कोई काम मतलब दिक्कत होती है, तो वो थोड़ा सा ऐसा रास्ता ढूंढता है कि भाई घर बैठे कोई काम कर ले। तो मतलब मैंने भी कुछ ऐसे ही सोच के किया था, लेकिन है ना हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती ना फ्रेंड्स। तो आप लोग है ना इस तरह के ऐसे बोलते हो, काफ़ी दिनों से कई बार ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं ना, तो मुझे बड़ा वो लगता है कि आखिर लोग ऐसा बोल के चले जाते हैं, निकल जाते हैं कि अरे उनको बड़ा हल्का हो जाता है बोलने में, ये करके भी तो देखो कितना मुश्किल होता है ये करने में। हम तो थोड़ा बहुत अपनी लाइफ शेयर करते ही हैं, और भाई अब जो हमने काम जो सोचा है तो वो तो करते ही हैं, दिखाते हैं, कोई दिखावा तो नहीं करते ना कि हाँ ये नहीं कर रहे तो ये नहीं हो रहा, मतलब दिखा कुछ और रहे कर कुछ और रहे हैं, ऐसा वाला काम नहीं होता है। जो हमारी सिंपल सी मॉर्निंग से सुबह तक की जो लाइफ होती है वो मैं शेयर करती हूँ। अभी है ना फिलहाल एक ठो कमेंट और आया था कि आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं बचा है क्या दिखाने के लिए। तो देखिए मेरा सीधा सिंपल सा जो रूटीन है, और मेरे घर पे मेरे घर का काम है, काम के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, किचन का काम, घर का काम। और मैं सच बताऊं तो मेरा काम लगभग 12 बजे तक हो जाता है, मैं 9 बजे से भी स्टार्ट करती हूँ ना तो मेरा काम हो जाता है। अब आप लोगों को दिन का मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप लोग कहते हो पूरा रूटीन दिखाओ, तो रूटीन में ऐसा है कि 12 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद फिर हम एक घंटे बाद खाना खा लेते हैं तो 1 बजे तक फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे घर में मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, कार्तिक भी खेलता रहता अपना जो भी है,
यूट्यूब में वगैरह कुछ कुछ देखता रहता है, और मैं अपना पढ़ाई करती रहती हूँ। तो लगभग 1 बजे से जो शाम के 5:30 बजे तक बस सिंपल सा यही चलता रहता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है कि कुछ नया कर रहे हैं या कुछ मतलब ऐसा कि दिखाऊं, तो वही मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या दिखाऊं। तो मेरे पास बस 12 बजे तक का ही जो है, और ये काम जब से चल रहा है कम से कम 6-7 महीने हो गए। इसके अलावा अभी मेरे पास दोपहर में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले वाला रूटीन में और अभी के रूटीन में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। क्योंकि पहले देखिए काम थे, और पहले मैं दूसरा काम भी करती थी, तो थोड़ा सा उसमें क्या है ना, थोड़ा सा आप लोगों को लगता था कि हाँ मैं कुछ रूटीन चेंज था, पर अभी मैं बता रही हूँ अभी मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ किचन से लेके बस यही काम मेरा रहता है, और बाहर वगैरह मैं जाती नहीं हूँ। यह बार मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कितनी बार बोल चुकी हूँ इस बात को। अब जिसको समझना हो समझे, नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, जिसको पसंद आता है वीडियो देखें, नहीं तो अब मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अगर ये भी बोलूँगी तो उसमें भी आप लोग बोलोगे कि आप इतना ज़्यादा क्या बोलते उसको वो दिखाने लगती हो, मुझे एक तो वर्ड भी नहीं आते तो आई होप कि चलो आप लोगों के सवालों के जवाब जितने हो सके मैंने दे दिए। तो ये रही आज की हमारी सिंपल सी, देखिए नाश्ते की थाली, कितने सारे मोमोज बनाए हैं मैंने, और जितना सब्जियां थी उतने ही बन गए हैं। तो ये रही आज का हमारा नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।